किसी ने क्या खूब कहा है, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही हमें सफलता के मार्ग तक ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। रिंकू नाम का एक लड़का था। उसके जीवन की कहानी कुछ यूं है कि पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में यह हमेशा ही फिसड्डी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक के लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिंकू की पढ़ाई में कमजोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रिंकू को भी था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंततः रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अपने जीवन से निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए रिंकू की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ा। कथास्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। उस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे हुए थे। जटायु से यह तो पता चल गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उपरपते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव के आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक पलक झपटते हुए ही छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति अपने आप स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वह समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही पल उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आईं, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रिंकू की आंखों में निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक था। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांग लिया तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड्डी रहने वाले छात्र रिंकू 10वीं बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे में भी पदोन्नति पाते हुए
ऊंचे ओहदे तक पहुंच गया। दोस्तों, विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिंकू का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित हो जाती है। तो फिर भी जब तक तन और मन से शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। मनुष्य की सफलता के पीछे दोस्तों उसके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह सही है, क्योंकि हमारे आसपास ही कई ऐसे सफल लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत सफलता के कदम चूमे हैं। इसलिए अपने अंदर विश्वास, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को जगाइए और सफलता को प्राप्त कीजिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। इस छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।